आज लगभग 2 बजे के बीच में मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। लगभग 15 डिजिट का वो नंबर था। मुझे बहुत सारे अदर अदर कंट्रीज से शुभकामना के मैसेज आ रहे हैं। बहुत सारे राम भगत है, बहुत सारे मुझे चाहने वाले हैं, तो अलग अलग कंट्रीज से शुभकामना के मैसेज आ रहे थे, तो सभी का कॉल्स मैं रिसीव कर रहा था। अचानक आज लगभग 2 बजे के बीच में मुझे कॉल आया और वो इंसान ये कहता है कि हम काउंटिंग से पहले तुझे खत्म कर देंगे, और तू योगी आदित्यनाथ को बुला रहा है ना, उनके साथ में हम तेरे को उड़ाएंगे। वो इतना डिटेल ही बात कर रहा है, मैं समझता हूं कोई ना कोई हैदराबाद का व्यक्ति पूरी की पूरी अपडेट, पता नहीं किस कंट्री में, किस इस्लामिक कंट्री में ये बैठकर मुझे कॉल कर रहा है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को हैदराबाद का कोई व्यक्ति अपडेट दे रहा है कि मेरे पूरा मूवमेंट के बारे में वहां बैठे से वो व्यक्ति बता रहा है, मेरे फैमिली मेंबर्स के बारे में बता रहा है, मैं बुलेट में घूमता हूँ वो बता रहा है, मैं कब प्रचार में निकलने वाला हूँ वो बता रहा है, क्योंकि कल से मैं अभी पब्लिक में प्रचार में निकलने वाला हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है कि तू योगी आदित्यनाथ जी को भी बुला रहा है ना, जहां पर तुम दोनों खड़े रहेंगे वहीं पर ब्लास्ट करूंगा, तुम दोनों को मारूंगा, इस प्रकार से वो मुझे फोन पर धमकी देता है। और ये धमकी पहली बार ही नहीं, इससे पहले भी कईयों बार मुझे धमकी भरे कॉल्स आए। दुर्भाग्य देखिए तेलंगाना की पुलिस का, जब जब धमकी भरे कॉल आया मैंने राइटिंग में पुलिस के अधिकारियों को कंप्लेंट दिया है मेरे ऑफिशियल लेटर पैड पे, लेकिन आज तक ना ही उसकी इंक्वायरी की गई और ना ही किसी व्यक्ति को ऊपर कोई एक्शन लिया गया और ना ही किसी को पकड़ा गया। आज चुनाव का मूवमेंट है, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी मिनिस्टर पर अगर छोटा सा कमेंट अगर कर देता है सोशल मीडिया में, तो तुरंत उस कार्यकर्ता को अरेस्ट किया जाता है, उस कार्यकर्ता के ऊपर 3rd degree यूज किया जाता है। हमारे तेलंगाना राज्य में एक कमान कंट्रोल रूम बनाया गया सोशल मीडिया और अनेकों प्रकार के जो क्राइम्स होते हैं उसके ऊपर दृष्टि रखने के लिए। लगभग 600, 700, 800 पता नहीं कितने हजार करोड़ उस कमान कंट्रोल के लिए खर्च किए गए, लेकिन वो कमान कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी के जो MLAs हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनके फोन टाइप्स करने के लिए बनाया गया, मैं आज ये समझता हूँ। आज मेरा भी फोन टाइप हो रहा है, हमारा तेलंगाना का जो DGP है, कमिश्नर है, वो मेरा फोन टाइप कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के इशारे पर। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कहाँ से मेरे कॉल को फोन आ रहा है, शायद आपको पता होगा। क्या आपका कर्तव्य नहीं है एक विधायक को बचाना? अगर सचमुच में कोई आतंकवादी संगठन का कोई व्यक्ति अगर है, मुझे जान से मारने की धमकी अगर देता है, तो क्या पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है एक विधायक को बचाए, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी को बचाए? क्या ये सरकार की पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है? लेकिन जीतने वाले बहुत ही ज्यादा लोग हैं। आज तेलंगाना राज्य में सरकार बन रही है तेलंगाना में BJP की, इसीलिए सरकार और पुलिस ये दोनों चाहती है कि कोई भी विधायक के ऊपर अगर कोई मारने का षड्यंत्र रखता है हम लोग उसको लूज छोड़ना है, क्योंकि एक मरेगा तो दूसरा मरेगा, इतनी छोटी सोच हमारी सरकार और हमारी पुलिस की है। मैं हमारे पुलिस के अधिकारियों को बताना चाहूंगा, देश और धर्म की रक्षा का संकल्प है हमारा और हम मरने वालों में से है लेकिन डरने वालों में से नहीं है। हमारा संकल्प है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, और जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा हम रुकेंगे नहीं, और ना ही ऐसे फोन कॉल से हम डरने वाले हैं।